a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space. तो स्वागत है आप सभी का गेम्स प्लेयर के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बात ब्राजीलियन GTA की। अब GTA तो आपको पता ही है, अब यार GTA तो सबको पता ही है, यानी कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। अब यार GTA के बाद बन रहा है मुंबई गलीज, जो कि इंस्पायर्ड है GTA से ही। अब यार ब्राजील में भी एक गेम बन रहा है ब्राजीलियन गेम डेवलपर्स की तरफ से, वो भी GTA से इंस्पायर्ड है। उस गेम का नाम है 171। तो यार 171 ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम होगा, जो कि इंस्पायर्ड होगा ब्राजीलियन एम्बियंस से, यानी कि वहां के लोकेलिटी से, ब्राजील का जो भी लोकल एरिया है, जो भी सिटीज है, वो सब दिखाए जाएंगे उस गेम के अंदर। वैसे ही जैसे मुंबई गलीज में दिखाए जाएंगे मुंबई का सब एरिया, इंडिया का एरिया। तो यार मुंबई गलीज और 171 काफी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, और जिस गेम से ये दोनों गेम इंस्पायर्ड हुए हैं वो गेम भी सेम है। तो यार इस गेम का भी कोई रिलीज डेट अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। इस गेम को बना रहे बेटा गेम्स ग्रुप, और इस गेम को डेवलप भी कर रहे बेटा गेम ग्रुप। अब यार 171 पूरी तरह इंस्पायर्ड होगा ब्राजील सिनेरियो के ऊपर, यानी कि उस गेम में हर डिटेल, हर एलिमेंट सब डिजाइन किया जाएगा वहाँ के लोकल एरिया के हिसाब से। तो यार जो इस टाइप के गेम्स बन रहे हैं, सीधी सी बात है कि ये गेम सभी एजेस ग्रुप के लिए एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, यानी कि इसे 18 प्लस वाले ही खेल पाएंगे, बच्चे तो इन गेम्स को खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन गेम्स का जो बेस है वही वायलेंस से भरा हुआ होता है, यानी कि मार धार, लड़ाई झगड़ा, और भी कुछ 18 प्लस कॉन्टेंट होते हैं, जैसे कि आप स्ट्रिप्स क्लब में जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो भी एप्रोप्रिएट नहीं है सभी एजेस के लिए। तो जैसे इंडिया में कोई बड़ी कंपनी नहीं है गेम डेवलपमेंट के लिए, वैसे ब्राजील में भी यही हालत है। ब्राजील में भी कोई बड़ी कंपनी नहीं है गेम डेवलपमेंट करने के लिए। तो यार ये इंटरेस्टिंग रहेगा मुंबई गलीज को और 171 को कंपेयर करना जब दोनों गेम रिलीज हो जाएंगे, तो क्योंकि दोनों ही गेम GTA से इंस्पायर्ड है और दोनों ही कंट्रीज का जो हालात है वो काफी सिमिलर है, यानी कि दोनों ही कंपनियां कोशिश में लगी हुई है कि उनके कंट्री में जो गेम डेवलपमेंट का सीन है वो आगे बढ़े। तो यार 171 में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, पर आपको मुंबई गलीज में जरूर मिलेगा। और ग्राफिक के मामले से मैं बोलूं तो यार मुंबई गलीज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब आप 171 का ग्राफिक तो देख ही सकते हैं, पर यार ये अभी अल्फा में है, इसका जो मेन गेम है अभी आना बाकी है, तो अभी मैं कह नहीं सकता पूरी तरह से। पर फिलहाल के जो दोनों ट्रेलर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि मुंबई गलीज का जो वर्क है वो काफी औसम है। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।